आज हम बनाएंगे बिल्कुल क्रिस्पी कुरकुरे और फूले फूले आलू के पकौड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ही पकौड़े कितने बढ़िया तरीके से फूल गए हैं। और सबसे खास बात, इसमें हमने सोडा का इस्तेमाल नहीं करा है। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ क्रिस्पी आलू पकौड़े की रेसिपी। मॉनसून स्पेशल रेसिपी है ये। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज के आलू। अब सबसे पहले हम आलूओं को एक पीलर की मदद से छील लेंगे। इन्हें अच्छे से पील करने के बाद हम इन्हें पानी के बोल में डाल देंगे ताकि ये काले ना पड़े। अब यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइसर है। अगर आपके पास स्लाइसर ना हो तो आप नाइफ से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। आलूओं को हम लेंथ वाइज स्लाइस करेंगे क्योंकि इससे आपके स्लाइसेस बड़े आएंगे, पकौड़े बहुत ही अच्छे लगेंगे दिखने में। तो इन्हें वर्टिकली स्लाइस करने के बाद अब मैं यहाँ पे आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं स्लाइसर की मदद से बिल्कुल इवन थिकनेस के आलू कट हुए हैं। आप चाहें तो बिल्कुल नाइफ से भी ऐसे आलू कट कर सकते हैं। यहाँ पे आलू को हमें मोटा नहीं रखना है, आलू के स्लाइसेस को पतला ही रखना है। तो अब एक पानी के बोल में इन आलू के स्लाइसेस को हमने डाल दिया है। आप देख सकते हैं पानी कितना हेजी हो गया है। इस पानी को चेंज कर लें, आलू को एक दो बार अच्छे से रिंस कर लें। आलू का सारा स्टार्च हमें हटा देना है। तो अब पानी बिल्कुल क्लियर है। अब इन आलूओं को हम एक मसलिन क्लॉथ के ऊपर रख देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। आप चाहें तो एक छलनी के ऊपर भी इसे रख सकते हैं और डायरेक्टली फैन के नीचे रख दें ताकि इनका सारा मॉइस्चर हट जाए। आलू के स्लाइसेस बिल्कुल भी गीले नहीं रहने चाहिए, तो बस एक मसलिन क्लॉथ के ऊपर मैंने इन्हें रख दिया है और बस 10 मिनट में इनका पानी अच्छे से सूख जाएगा, जितने हम प्रिपेयर करते हैं पकौड़ों के लिए बैटर। यहाँ पे हम लेंगे एक बोल और इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन। अब ताकि पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी बने, इसके लिए हम इसमें यूज करेंगे 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें डालें 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को अपने हाथों के बीच में क्रश करके डालें। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1/4 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक और 1 पिंच हींग। अब इसमें डालें पानी और एक विस्क की मदद से इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लें। पानी को धीरे धीरे करके डालें, जितनी जरूरत हो उतना ही डालें, एक साथ सारा पानी ना डालें। और एक विस्क की मदद से इसका एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर तैयार कर लें। बैटर ना ही ज्यादा गाढ़ा ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए। अब इसमें डालें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और करीब 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ ताजा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आपने इस बैटर को 4 से 5 मिनट के लिए लगातार एक ही डायरेक्शन में अच्छे से विस्क करना है। हम इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो अच्छे से इसे विस्क करें ताकि इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो। बेसन की कोटिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बस ये आलू को अच्छे से कोट कर जाए। ना ही ये बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ये बहुत ज्यादा पतला। और अब फाइनली यहाँ पे हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तो इसमें से हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल का ताकि हमारे पकौड़े बिल्कुल खस्ता बने। गरम तेल डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और हमारा पकौड़ों के लिए बैटर बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हमारे आलू का पानी भी ड्राई आउट हो चुका है। अब हम लेंगे आलू का एक स्लाइस और इसे बैटर में अच्छे से कोट कर लेंगे। जो भी एक्सेस बेसन है इसे ड्रिप ऑफ कर देंगे और तुरंत ही इसे मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। ध्यान रखें कि ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पे तेज नहीं रखना है, मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसे डालना है। और फिर ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा लो कर दें, गैस को सिमर कर दें जब सारे पकौड़ों को डाल लें और फिर लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है ताकि आपके पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे सारे पकौड़े मैंने इवनली कोट करके डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके तेल स्प्लैश करेंगे ताकि पकौड़े फूल जाए। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बिल्कुल भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करा है और सारे पकौड़े फिर भी अच्छे से फूल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इन्हें टर्न कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सारे ही पकौड़े बिल्कुल फूले फूले बने हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ओकेजनली टर्न करते हुए हमें इसे बिल्कुल अच्छा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो हमारे फूले हुए क्रिस्पी पकौड़े बनके बिल्कुल तैयार हैं। इसे एक स्ट्रेनर से निकाल लें और अब बिल्कुल इसी तरीके से सारे पकौड़े फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने स्लिट कर दिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए हम फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं ये गर्मा गर्म क्रिस्पी पकौड़े हरी मिर्चों के साथ। तो इसे मैं सर्व करी हूँ केचप और चटनी के साथ। इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हमारी फ्राई करी हुई हरी मिर्चें।
आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ये पकौड़े बनके तैयार हुए हैं। बारिश के मौसम में ये है एक अल्टीमेट स्नैक। तो इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करें, आप भी पकौड़ों को बनाएं और अपना फीडबैक हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करें। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।